आपको ये दिखा रहा हूँ, यहाँ से देख लो, आप पूरा देखो किसके विलेज में मिर्चियों के बाग, ये बताओ यार। माशाल्लाह से यहाँ पर सारी मिर्ची लगे हुआ, मिर्चियों का पानी का क्लैन ये लगा हुआ है सामने। ई गाइस अस्सलाम फ्रेंड, कैसे हो फ्रेंड, वेलकम है न्यू व्लॉग फ्रेंड। आज का हमारा जो न्यू व्लॉग है हमारी मिर्चियों के बागों का, जो हमारे खेत के मिर्चे हैं आपको मैं दिखा रहा हूँ। और इस मिर्च को थोड़ा टाइम लगा था इसलिए मैं यहाँ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी पढ़ाई चल रही थी आज कल और मेरी छुट्टी थी। तो मैंने दो वीडियो बनाई है, ये पार्ट वन है, पार्ट टू में जो होगा हमारा पपीते में मिर्चियाँ लगी हैं। तो पहले आप यहाँ की हमारी मिर्चियों के पूरे ये बाग देख सकते हो, यहाँ पर देख रहे हो माशाल्लाह से जो मली की मिर्चियाँ हमारे लग चुकी हैं। तो यहाँ से ये देख सकते हो, पहले आते ये मिर्चियों को हमने आपको दिखा दिया माशाल्लाह से, कितनी प्यारी कितनी लंबी मिर्ची है। इन मिर्चियों का रिकॉर्ड कौन सी भी मिर्ची नहीं तोड़ती। और आपको ये दिखा रहा हूँ, यहाँ से देख लो, पूरा देखो किसके विलेज में मिर्चियों के बाग, ये बताओ यार। माशाल्लाह से यहाँ पर सारी मिर्ची लगे हुआ, मिर्चियों का पानी का क्लैन ये लगा हुआ है सामने। और ये देख सकते हो मलई की मिर्चियों के सारे हमारे अपने यहाँ बाग है। आप लोग को कैसे लगे ज़रूर बताना, और किसके खेतों में कितनी मिर्चियाँ लगती है या क्या क्या लगते हैं ये भी मुझे कमेंट्स में बताया करो, तो मैं आप लोग को देखूँ कहाँ है किस। ये देख रहे हो मिर्चियों, और माशाल्लाह से कितनी बड़ी पड़ी है। और यहाँ पर ने इनकी अभी तोड़ाई भी शुरू नहीं हुई, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सके इस हफ्ते में या ऊपर वाला दूसरा हफ्ता के उसमें स्टार्ट हो जाएगी इनकी तोड़ाई। और इसके के साथ में आगे भी चल रहा हूँ, इसमें थोड़े से ली मेरे यहाँ पे हमारे लगे हुए हैं जो छोटे से हैं। और यहाँ पर सारी हमारी ये मिर्चियों के बाग हैं, पीछे हमारी जन बकाश लगी हुई घास की, उसके पीछे वहाँ पर परिंदे चल रहे, ये दिख रहे परिंदा चला है, और वे भी पौधा एक हमारे लगा हुआ है। ये सारी हमारी यहाँ से खेत है, ये और एक पहले मैं आप दिखा रहा हूँ वे उसके आगे हैं, और इससे भी आगे हमारी और खेते हैं, हो सके फिर कभी वहाँ जाऊँगा वे भी दिखाएंगे आपको। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारे खेत अलहमदुल्ला माशा से ज़्यादा हैं, ये देख रहे हो, ये पता नहीं कौन सा पौधा है, मुझे कुछ का नाम नहीं। और ये लीम आया है, और सामने भी देखो खजियों के पौधे लगे, सूरज भी देख रहे हो कितना प्यारा व्यू दे रहा है। और माशाल्लाह से इस टाइम पर शाम के 5 बजे मैं आया हूँ यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैंने देखा था काफ़ी टाइम से ज़्यादा नहीं था इधर, मेरे चक्कर लगाते हैं, वरना तो सेंटर जाता हूँ तो टाइम ही नहीं मिल रहा। तो चलता हूँ आगे दिखाता हूँ सारी मिर्चियों के बाग, ये सारे मेरे मिर्चे। और उसके पीछे एक दूसरे साइड जो है बैंगन लगे हुए, वो भी आपको दिखाऊँगा पार्ट टू में। कमेंट्स में बताना करो मिर्चियों कैसे लगी हैं। और ये जो मिर्चियाँ भी हैं ये भी हमारी लजर भाई की तरफ से, मतलब मेरा दादू है उसकी तरफ से हैं, ये सोचो उसके अपने बाग। तो वह मुझे ज़रूर बताना किसके विलेज में क्या क्या लगते हैं क्या नहीं। हमारे विलेज में कभी मिर्चियाँ टमाटर होते हैं ये लगाते हैं, और हमारे जो गांव के साइड पर मैं हम लोग इसी नहीं लगाते, क्योंकि हमारे गाँव के जो बनते होते हैं वो अच्छे होते नहीं, तो इसीलिए हम लोग ना यहाँ पर थोड़ा सा बाल लगा देते हैं। वहाँ पर लगाते तो कोई छोड़ता नहीं है, तो यहाँ पर सुकून से, यहाँ पर सन्नाटा है, कोई नहीं होता, ना छोटा सा विलेज है ना कुछ है। और मुझे ज़रूर पता ना आप लोग को हमारी आज की मिर्चियों कैसे लग रही हैं, ये देखो कितनी लंबी है। तो अपने आज मेरा दोस्त नहीं है, वरना वे मज़ा करता, उसको मैं दिखाता हुए खा के दिखाता आपको। तो उसको पहले भी आप लोग को, जब मैं नया था यूट्यूब में तब मैंने आप लोग को दिखा, उसने खाई थी। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी प्यारी है, कितने प्यारे पौधे हैं। और ये छोटे से पौधे होते हैं इतने से ही, और इसमें मिर्चियाँ होती हैं मिर्चियाँ। और यहाँ से व्यू देख लो, ये पूरा खेत है, और सामने जो सारा है छोटे से बैगन है, सूरज माशाल्लाह से देख रहे हो कितना प्यारा है। देखो परिंदा भी, वो परिंदा भी जा रहा है, और इस साइड पर भी, और इसके साइड और सामने मेरी बाइक भी खड़ी है, मैं बाइक में आया हूँ। और बाइक में आज मैंने नहीं चलाई, क्योंकि मैं चला के नहीं दिखा सकता, मोबाइल में थोड़ा मसला है, और मैं पहले भी गंदे से बच गया, इसलिए मैंने बाइक चलाना मैं छोड़ दिया वीडियो बनाना। और इसमें ये थोड़े से लीमया भी लगे हुए हैं, जो पहले तो लीमया तो हमने लगाए थे ख़त्म हो गए, और जो बड़े बाग है वो दूसरी अलग खेत में, वहाँ पर भी चलेंगे एक दिन। तो कमेंट्स में बताना ज़रूर, क्योंकि मिर्चियों की रेट तो कितने चल रहे हैं आप लोग को मालूम है, सारे टमाटर होते हैं इनकी रेट ज़्यादा, क्योंकि टमाटर और मिर्चियों के मसाले रेट अच्छे होते हैं। तो आज का हमारा व्लॉग सिर्फ ये मिर्चियों के बागों में था, एक मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।